सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, होप सो सब बढ़िया ही होंगे। सो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने जो है वो न्यू कार लाई हुई है और अपना शोरूम जो है वो अपग्रेड कर रखा है, ठीक है। सो हाँ, उसके बाद जो है मैंने काफी ज्यादा कार लाई है, जिसमें मैंने बोला था कि मैं सुप्रा का जाऊं एक अलग कलेक्शन बनाने वाला हूँ। सो आज की वीडियो में मैं सुप्रा का कलेक्शन बनाने वाला हूँ, जिसमें हम 6-7 सुप्रा रखने वाले हैं और साथ में अपने शोरूम को अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ नई नई कार्स लेने वाले हैं जो हम लोगों को बढ़िया सी दिखेगी, हम लोग उस कार को ले लेंगे, ठीक है। सो के अभी आप लोग देख सकते हो गाइज मेरे शोरूम में, शिट यार अंधेरा ही हो गया। पहले ऐसा करते हैं, सो करके आते हैं, फिर आप लोगों को अपनी सुप्रा एंड ऑल सब कुछ दिखाते हैं। और सुप्रा की नंबर प्लेट भी हम एकदम से बढ़िया वाली चेंज करने वाले हैं, ताकि सुप्रा जो है भाई बहुत ज्यादा सही सी लग पड़े, ठीक है। सो हाँ, मैंने इसमें घर भी बाय कर लिया हुआ है, जिसको पता है पिछली वीडियो में जिसने देखा है, और मेरा घर भी काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। काफी ज्यादा सही सा घर है भाई, मजा आ जाता है घर को देखने का। सो बैकग्राउंड को थोड़ा रिमूव करना, क्योंकि आज यहाँ पे मैंने अपना सेटअप क्रिएट नहीं करा हुआ है, सो इसलिए। सो हाँ, सो यहाँ से चलते हैं बाहर के लिए और आप लोगों को अपने सुप्रा का कलेक्शन दिखाता हूँ, और रेस वगैरह करेंगे आज बढ़िया सी, और उसके बाद जाएंगे भाई एकदम से अपने घर को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। सो के गाइज, हम लोग जो है अपने ऑफिस में पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हमारी जो है वो 4 सुप्रा खड़ी हुई है, जो कि दिखने में भाई काफी ज्यादा सही सी लग रही है, ठीक है। सो इनके हमें नंबर प्लेट चेंज करनी है, एक की तो हमने भाटिया रखी है, एक की विशाल रखी है, और जो 2 सुप्रा है उसकी हमने नंबर प्लेट चेंज करनी है, ठीक है, क्योंकि उसकी हमने कुछ भी नंबर प्लेट अभी रखी नहीं हुई है। और ये सामने जो है एक पोर्शे खड़ी हुई है जो काफी ज्यादा सही सी लग रही है, और एक खड़ी हुई है ऑडी, ठीक है। तो भाई ऑडी तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है दिखने में, और ये हमारी मर्सिडीज खड़ी हुई है जो हमने अभी जस्ट कल ही बाय करी थी, ठीक है। सो कुछ कार्स हमने अभी यहाँ पे बाय करी हुई है जो अंदर है, और ऑक्शन भी आज हमारा 2 बजे ओपन होने वाला है, ठीक है। तो अभी तो 7 बज रहा है, अभी काफी ज्यादा टाइम है, ओके। सो के गाइज, हमारी जो है वो फॉर्च्यूनर भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है शायद से। वैसे कार की कोई कमी नहीं है भाई, कार हमारे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, ठीक है। फॉर्च्यूनर को बाहर के लिए ले जाते हैं एकदम से बढ़िया, और इसको बाहर खड़ी कर देते हैं, ठीक है। सो के थोड़ा आराम से चलते हैं भाई। ओ ओ ओ शिट भाई, इतनी सही से भाई हमने ठीक करवाई थी, और ये दोबारा से डैमेज हो गया है, बट कोई चक्कर नहीं है, इसको हम दोबारा से ठीक करवा देंगे। फिलहाल के लिए हम लोग कार से उतर जाते हैं, वेट। सो के गाइस, हम लोग कार से उतर गए हैं, बंद तो इसको किया ही नहीं हमने, और एक कार दिखाता हूँ आप लोगों को जो मेरे को खुद को काफी ज्यादा सही लगती है भाई देखने में, मतलब ज्यादा खतरनाक कार लगती है ना भाई ये, मन करता है भाई इस कार को मतलब चलाते रहूं, जो ये सामने आप लोगों को दिखाई दे रही है ये वाली कार, ठीक है। सो इसको पहले रिपेयर तो हमें करवाना है, तो हाँ इसको रिपेयर करवा देते हैं पहले, तो वेट, उसके बाद जाकर के इसको जो है वो बाहर के लिए ले जाते हैं, ठीक है। भाई इसकी स्पीड जो है ना वो काफी ज्यादा तगड़ी स्पीड है, मतलब ओ भाई यहाँ पे एकदम से गाड़ी कैसे आ गई, अभी मैं इसको लेके आया था। एक तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है मेरे को दिखने में, जो मतलब मजा लगता है जिसको चलाने में, और एक भाई ये वाली कार है, इसमें भी स्पीड काफी ज्यादा है, ठीक है, मतलब मजा आ जाता है भाई इस कार को चलाने का भी। तो देखना आप लोगों, मतलब इसमें तो भाई हम लोग बूस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए लगाया नहीं है, तो इन दोनों को रिपेयर होने के लिए छोड़ देते हैं और अपनी सुप्रा को लेके जाते हैं बढ़िया, और उसको जो है वो एकदम से रेस में जिता के आते हैं, ठीक है। सो ये भाई $60 में रिपेयर होने वाली है, चल कर दे इसको रिपेयर। और ये जो हमारी दूसरी कार है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको लेके जाऊं क्या, बट भाई इसमें ना बूस्ट नहीं है, मतलब ऐसे स्पीड तो इसकी बहुत ज्यादा सही है बट इसमें बूस्ट नहीं है, तो इसको बैक में खड़ी कर देते हैं, या इसमें पहले कुछ कलर वगैरह करवा देते हैं, ठीक है। सो गाइस इसकी स्पीड देखो यार, स्पीड तो बहुत ज्यादा सही है बट इसमें आप बूस्ट नहीं है, तो फिर बूस्ट के बिना ये थोड़ी बेकार सी लग जाएगी, ठीक है। सो के पहले इसमें कलर वगैरह करवा देते हैं। सो भाई ये वाला कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, भाई थोड़ा ओल्ड सी कार है ना, तो ओल्ड सा लुक भी आना चाहिए, तो ये वाला बड़ा सेक्सी कलर लग रहा है भाई। सो उतर करके देखते हैं पहले तो कैसा कलर लग रहा है भाई, ये लग रही है ना कार खतरनाक। सो के गाइस, अब इसके टायर वगैरह भी चेंज करवा देते हैं, मतलब थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवा देते हैं इस कार में, ज्यादा नहीं, वेट। सो के गाइस, इसमें हम टायर वगैरह डलवाएंगे, इसके सस्पेंशन जो है थोड़े से नीचे रख, भाई इसके अंदर है भाई बूस्टर भी है, इसके अंदर सब कुछ है भाई, इसके अंदर हम लोग सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं, वेट। एक रेसिंग किट डालनी थी बट अब नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी चीजें डलेगी शायद से। एक तो भाई ये गेम काफी ज्यादा लैग कर रही है, शायद से सभी के लैप या कंप्यूटर में लैग कर रही है, या मेरे साथ ही ऐसा सीन हो रहा है, कमेंट करके बता सकते हो आप लोग क्या सीन है, मुझे लगता है सभी के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो भाई सस्पेंशन इसका ऊपर वाला आगे वाला थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और पीछे वाला थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है। सो ये काफी ज्यादा सही लग रहा है शायद से,
तेरी सौ तेनू वेख वेख के बिलो मेरी कार नच दी। भाई ये वाला गाना इस कार के ऊपर काफी ज्यादा सही सा लग रहा है। और लाइटिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं, नंबर प्लेट रख सकते हैं इसमें हम लोग। भाई इसमें नंबर प्लेट का नेम क्या रखें, ठीक है? इसमें हम लोग नंबर प्लेट रख सकते हैं तेरा बाप। ये काफी ज्यादा सही लग रहा है नंबर प्लेट, क्योंकि अब हम लोग कहीं भी रेस वगैरह करेंगे ना, तो ये नंबर प्लेट काफी ज्यादा काम में आने वाला है। सो गाइस, ये जिसको पता नहीं है, जो कार नचदी सॉन्ग था ना, उसमें ये वाला जो है वो सीन था, ठीक है? ये वाली कार थी मतलब। और इसकी लुक चेक करो यार, आप क्या सेक्सी लग रही है भाई। इसके टायर भी चेंज कर देते हैं जरा, टायर चेंज करके तो भाई ये एकदम से मतलब बढ़िया होने वाली है, ठीक है? तो भाई इसके टायर थोड़े समय खतरनाक वाले डालने पड़ेंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाले भी नहीं, मतलब जो इसके हिसाब से जचे मतलब, है ना? क्योंकि ये ओल्ड जैसी कार है ना। तो ओके गाइज, हम लोगों ने इसमें टायर भी डलवा दिए हुए हैं, अब इसको लेके निकलते हैं और इससे रेस वगैरह करवा के आते हैं एकदम से बढ़िया। सो गाइज, इसको चेक कर सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा सही लग रही है भाई। अब तो ये मतलब अब लग रही है भाई, मतलब एकदम से खतरनाक वाली कार, ठीक है? जैसे मतलब पुराने टाइम में जब गुंडे वगैरह आते थे ना कारों में, वैसी जैसी कार लग रही है भाई। ये काफ़ी ज़्यादा हिल क्यों रही है भाई, ये गलत सीन हो गया है। हमने इसके सस्पेंशन जो है वो थोड़े से उठा दिए हुए हैं और ये मतलब थोड़ी सी स्पीड पकड़ नहीं पा रही है, ठीक है? तो इसको हम बेचने के लिए खड़ी कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अब या तो इसके सस्पेंशन नीचे करवाने पड़ेंगे। अब भाई जिस बंदे को बेचेंगे वो खुद ही इसके सस्पेंशन नीचे करवाए, ठीक है? ये तो हमने बस एक शोरूम में खड़ी कर देनी है बस देखने के लिए कि हाँ बढ़िया लग रही है। अब हम लोग अपनी सुप्रा को लेके जाएंगे और फर्स्ट मैं सोच रहा हूँ ऑक्शन में जाए आते हैं, ऑक्शन में देख आते हैं कौन सी कार्स है, और उसके बाद जाते हैं भाई एकदम से कार रेस के लिए, ठीक है? पहले ऑक्शन में चेक कर आते हैं हमारे पास कार कौन कौन सी है, ठीक है? सो भाई ये सुप्रा है। ओ ओ भाई, एकदम से सुप्रा से उतर गया भाई मैं, ये तो गलत सीन हो गया। सुप्रा काफी ज्यादा आवाज कर रही है, कोई चक्कर नहीं है भाई। वेट, चलो भाई स्पीड काफी ज्यादा है यार सुप्रा की, तो भाई सुप्रा का मुकाबला नहीं है यार। वेट 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 वेट, वेट, वेट। भाई इसमें तो बूस्ट लग जा रहा है एकदम से, मतलब थोड़ी सी भी स्पीड दो ना भाई। अंदर कार वगैरह चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे काम की कोई कार है तो हाँ फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, वरना रहने देंगे, ठीक है? एक तो वैसे ही बच गए हैं, दो बजने वाले हैं। सो ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे एक विंटेज कार है, उसके बाद से ये शायद से BMW है, पुराना मॉडल है, और ये शायद से मर्सिडीज टाइप कुछ है, और भाई लैम्बो यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है? सो हमें लैम्बो खींचनी है तो हाँ हमें अंदर आना पड़ेगा। ओके सो भाई अब जो है सबसे पहले हमारी लैम्बो ही जो है वो आएगी, तो लैम्बो खींचने के बाद हम लोग इधर से निकल जाएंगे एकदम बढ़िया, ठीक है? ओके गाइज, अपनी सुप्रा को यहाँ पे ही पार्क कर लेते हैं। वेट, थोड़ी सी ठुक गई है गलती से। सो ओके, यहाँ पे टिकट बाय कर लेते हैं और यहाँ पे बैठ जाते हैं एकदम से बढ़िया, क्योंकि हमारा जो है वो 10 सेकंड के अंदर जो है वो ओपन होने वाला है ऑक्शन, और ऑक्शन से अब हम लोग कार जो है वो बाय करेंगे, वो भी एकदम से बढ़िया बढ़िया वाली कार, ठीक है? सो भाई लैम्बो का प्राइस जो है वो $3,000 से $4,000 पहुंच चुका है, मतलब 5 लाख प्लस होने वाला है भाई। और यहाँ पे तो गलत सीन लग रहा है मेरे को भाई, ये गाड़ी जो है ना वो $6,00,000 में जाने वाली है। पता नहीं मुझे देख के ऐसा क्यों लग रहा है, बट ऐसा होने वाला है शायद से। और ये गाइज हम लोगों को $5,17,000 में हमें ये कार मिल चुकी है। अब बढ़िया सीन हो चुका है, अब हमें और कार्स नहीं लेनी है, हम खुश है भाई अपनी लैम्बो में ही, क्योंकि ये लैम्बो में ही हमने $5,00,000 खर्च कर दिया है। अब हमारे पास बजट ही नहीं बचा है भाई, अब हमारे पास $9,00,000 बचे हैं, तो हमने 5 लाख की खरीदी है, तो लगभग इसको $9,00,000 में तो हम बेचेंगे ही बेचेंगे। हम पागल थोड़ी है कि हमने इतनी ज़्यादा भाई पैसे खर्च कर रहे हैं। सो पहले जो है सबसे पहले इसको लेके जाते हैं भाई, इसमें बूस्ट लग जा रहा है यार खतरनाक ही एकदम से, मतलब मैं बूस्ट लगा नहीं रहा हूँ बट तो भी बूस्ट लग रहा है। सो कि अब इसको लेके जाते हैं रेस के लिए एकदम से बढ़िया, और इससे करते हैं रेस जा करके, ठीक है? सो गाइस, मैंने ऑफिस भी क्लोज रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने कार कोई भी सेल पे लगाई नहीं हुई है, ठीक है? तो क्लोज ही बढ़िया है वो। सो कि गाइस, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, दो बंदे खड़े हुए हैं भाई रेस के लिए। ओ भाई, ये तो गलत डैमेज हो चुकी है कार, और यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है ये और एक खड़ी हुई है ये, ठीक है? सो सबसे पहले इसके साथ करते हैं रेस। सो ये बंद भाई, ये काफ़ी ज़्यादा कम डॉलर नहीं दे रहा है क्या? वेट भाई, $99 में भाई बैट $99 के लिए क्या रेस लगानी है भाई? भाई पहले इससे पूछ के आते हैं, अगर दूसरा हमें ज़्यादा प्राइस देगा तो हम दूसरे के साथ एकदम से बढ़िया रेस लगा सकते हैं, ठीक है? सो कि गाइस, ये भी हमें ठीक ही प्राइस दे रहा है, दोबारा से पूछते हैं, दोबारा से भाई ये काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस दे रहा है यार ये बंदा भी। वेट, दोबारा से पूछते हैं, दोबारा से पूछते हैं। सो भाई इतने में ठीक है, ठीक है? सो भाई हमारी जो है वो सुप्रा है, और इसकी कुछ लॉर्ड सी क्लासिक कार है, इसका नेम मुझे पता नहीं है कार का, बट हाँ मजा दोनों में आने वाला है, क्योंकि अब रेस जो है वो दोनों कार्स की खतरनाक सी होने वाली है। सो ओके गाइज, हम लोगों की यहाँ पे जो है वो रेस स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है सॉरी, जस्ट
भाई मेरी जुबान को पता नहीं क्या हो रहा है, लड़खड़ा जाती है पता नहीं कैसे। सो गाइस यहाँ पे हमारी कार है और यहाँ पे दूसरी कार है, ठीक है भाई। इन दोनों की ना रेस तो खतरनाक होने वाली है। सो गाइस अब निकलते हैं, अब देखते हैं। भाई ये बंदा मेरे से आगे चला गया, ठीक है। तो भाई ये हमसे कहाँ जी, भाई इसने बूस्ट लगा दिया है। चाहे भाई ये बूस्ट लगा दे चाहे कुछ लगा दे तो भी ये सुपरा को पीछे नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। सो भाई सुपरा में तो बूस्ट भी नहीं लगा था तो भी सुपरा आगे चले गई है। भाई सुपरा तो सुपरा है। सो हम लोग यहाँ पे विन हो चुके हैं, मतलब हाँ जीत चुके हैं इस रेस को एकदम से बढ़िया। ओके अब हम लोग जा करके जो है अपनी कार वगैरह को सेल करेंगे, अगर बिकती है भाई काफ़ी ज़्यादा महंगे रेट में हमारी लैम्बो तो, क्योंकि वो तो आ गई होगी ना। तो हाँ उसको जा करके जो है थोड़ा बहुत रिपेयर करवाते हैं, पहले उसका देखते हैं डैमेज वगैरह है या नहीं है। अगर डैमेज नहीं होगा ना तो उसको वैसे ही सेल कर देंगे, क्योंकि हमने भाई $5,00,000 लगाए हुए हैं उसमें, ठीक है। तो उसको बेचना तो ऐसे बनता है कि हाँ हम उसको ऐसे ही बेच दें, बट हाँ ये पता लगेगा अब जैसे हम कार को लेके जाएंगे ना वैसे देखेंगे क्या सीन है। सो के गाइस हम लोग यहाँ पे रेसिंग पॉइंट में पहुंच चुके हैं, अब हमें रेस लगाने। भाई भाई निशान जी, भाई ये कौन सी कार है भाई? ओ भाई खतरनाक सीन है भाई यहाँ पे। भाई डोजे रिवर ऐसी जैसी कुछ कार है, पता नहीं क्या नेम है इसका, डोज रिवर ऐसी जैसी कार है और क्या सेक्सी लग रही है भाई। और $12,000 की जो है वो हमसे बैट लगा रहा है भाई। अब पता नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि डोजे इसके डोज के सामने जो है हमारी जो है वो सुपरा टिकने वाली है। कि भाई इस कार की लुक देखो यार कितनी ज्यादा सही सी लग रही है। तो भी हमने रेस करने के लिए स्टार्ट लगा दिया है, हम रेस कर ही लेंगे। अगर जीतते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं जीतते हैं ना भाई तुम्हारे $12,000 खत्म हो जाएंगे भाई। भाई ये बंदा काफी ज्यादा अमीर है और इसने भाई ये सोच समझ के रेस लगाई है और इसका कैश भी खतरनाक होने वाला है। तो हम लोगों को अब सोच समझ के जो है वो सुपरा को दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये कार भी देखो यार ये तो काफी ज्यादा सही लग रही है और सुपरा भी काफी ज्यादा सही लग रही है। सो हाँ दोनों ही मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही लग रही है। तो हाँ अपनी कार को करते हैं स्टार्ट, अब देखते हैं क्या सीन होता है। भाई ये बंदा तो इतना आराम से लेके जा रहा है ना इस कार को और ये मेरे को लगता है आराम से जीत ना जाए भाई, क्योंकि दिखने में काफी ज्यादा सही सी लग रही है और हमें जो है बिल्कुल आराम आराम से अब इसको दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो ओके अब हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है। सो ओके गाइस हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है, अब शिफ्ट करते हैं और अब लगाते हैं इसमें एकदम से बूस्ट। ओके ओके दोबारा से एक और बूस्ट लगाते हैं। सो ओके गाइस हमारी सुपरा तो भी जीत चुकी है और ये कार रह चुकी है वो भी पीछे, ठीक है। सो भाई ये पता नहीं क्या सीन हुआ है, मतलब सुपरा कैसे जीत गई भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई ये डोज जो है ये भी काफी ज्यादा सही कार है, मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा सुन रखा था, ठीक है। बट हाँ सुपरा तो भाई सुपरा ही है, सुपरा नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा भाई। सो हाँ सुपरा के सामने अब निशान जी टीआर आती है ना तो शायद से मुश्किल काम होने वाला है, बट ऐसे तो सुपरा भी नहीं है, ठीक है। सो ओके गाइस अब जो है फटाफट से ऐसा करते हैं कि लैम्बो को लेके आते हैं और उसको लगा देते हैं सेल के लिए और उससे ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं भाई क्या सीन होने वाला है। सो ओके यहाँ पे रेसिस वगैरह भी खत्म हो चुकी है, हमारी सुपरा ने भाई सभी को टक्कर दे दी हुई है क्योंकि भाई ये सुपरा है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ये गंदी भी हो चुकी है रेसिस लगा लगा के, तो इसको हमें साफ भी करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए सुपरा को लेके जाते हैं बढ़िया। तो भाई यहाँ से लेके जाते हैं, रोड का जरूरी थोड़ी है भाई, रोड से लेके जाना है। सो ओके गाइस हमारी जो है वो शायद से लैम्बो भी आ चुकी होगी अब तो, वेट थोड़ी सी और ज़्यादा कम। भाई यहाँ पे हमारी लैम्बो, भाई हमने लैम्बो जीती थी, हमारी लैम्बो कहाँ गई भाई? भाई हमारी लैम्बो कहाँ गई यार? भाई अरे 9 लाख, भाई हमने $5,00,000 खर्च करे हैं अपनी लैम्बो के ऊपर, हमारी लैम्बो कहाँ गई भाई? वेट जस्ट अ सेकंड, इसके पीछे तो नहीं खड़ी की हुई है? वेट भाई हमारी लैम्बो कहाँ चली गई यार? भाई हमने लैम्बो बाय करी थी, ये लैम्बो कहाँ गई भाई हमारी? भाई हमने $5,30,000 खर्च करे हैं भाई उसके ऊपर, मजाक थोड़ी है यार, हमारी लैम्बो कहाँ चली गई है भाई? यहाँ पे तो नहीं खड़ी कर दिया उन्होंने कहीं पे? भाई यहाँ पे तो कोई लैम्बो खड़ी नहीं किया भाई, अंदर तो नहीं खड़ी की है? वेट जस्ट देख के आते हैं भाई, यहाँ पे भी लैम्बो नहीं है। सो भाई इन बंदों ने जो है वो मेरी लैम्बो खा ली है, ठीक है। सो ये बंदे इतने ज़्यादा चोर है ना, मतलब मैंने लैम्बो बाय करी है $5,00,000 की और वो इन्होंने खा लिया है। ये शायद से मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह थे कि जब तक कार जो है वो आपके पास आ नहीं जाती है तब तक आप लोग यहाँ से जा नहीं सकते हैं शायद से, बट भाई ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा था कि नहीं था। बट भाई तो भी मेरी लैम्बो तो चली गई ना भाई, भाई मेरी लैम्बो पता नहीं इन्होंने कहाँ ले गए हैं भाई, चोर हैं यार ये कार फॉर सेल के जो ऑक्शन वाले हैं ना भाई, इन लोगों ने मेरे से पैसा ले लिया और भाई मेरी कार जो है वो खा गए, ठीक है। सो कोई चक्कर नहीं है भाई, हमारा सुपरा बहुत है,
और अब पैसा भाई हमने 5,00,000 डॉलर खर्च किया होता, और अब से अगली बार से भाई पहले तो इनका मैं मुंह तोड़ूंगा ना, उसके बाद से अपनी पहले कार भी लेके आऊंगा और दूसरी कार भी लेके आऊंगा। वेट, टैब में चेक कर लेते हैं, क्या पता यहाँ पे हो हमारी लैम्बो शायद से। जस्ट वेट। सो भाई हमारी यहाँ पे लैम्बो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, हम लोग ने ज़्यादा पैसे खर्च करे हैं भाई और लैम्बो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वेट, सुप्रा सुप्रा ही है, लैम्बो यहाँ पे नहीं है। ठीक है भाई, कहाँ से होगी यार लैम्बो जब इन्होंने हमारी लैम्बो ही चोरी कर ली हुई है। ठीक है, सो कोई चक्कर नहीं है, हम लोग दोबारा से जुगाड़ कर लेंगे। अब हम लोग जो है वो रेस में भी विनर हो चुके हैं, अब हमारी सुप्रा का कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा सही सा लग रहा है और हम बिल भी भरेंगे और अब जो है अपने शोरूम को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट। सो के गाइस, हम लोग कार से निकल गया बाहर के लिए, अब अपने शोरूम को थोड़ा बहुत अपग्रेड कर डालते हैं। और यहाँ पे हमारी पोर्शे खड़ी हुई है भाई, लैम्बो अगर मिल जाती ना तो काफ़ी ज़्यादा सही रहना था, बट मुझे पता नहीं था भाई ये चोर भी है कार फॉर सेल वाले, अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी करता भी नहीं। ठीक है, सो के हमारा ऑफिस का कुछ ऐसे जैसे सीन है यहाँ पे। सो हाँ, इसको हम लोग जो है अपने हिसाब से जो है वो एडिट कर सकते हैं। भाटिया मोटर्स भाई ये काफ़ी ज़्यादा सही है, इसमें कलर वगैरह देख लेते हैं अगर कोई बढ़िया सा मिलता है तो। सो भाई ये भी सही लग रहा है, इसको कर लेते हैं अपडेट और भी कुछ काम देख लेते हैं अगर होता है तो। सो भाई यहाँ पे हम लोग डोर वगैरह लगा सकते हैं शायद से, बट भाई यहाँ पे डोर लगाने का फायदा तो है नहीं। ठीक है, सो थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं भाई। ऊपर जो है यहाँ पे हम लोग एक नया शोरूम बनाने वाले थे ना, सो यहाँ पे बना लेते हैं कुछ नया सा। सो यहाँ पे हमें डोर लगाने की ज़रूरत तो है नहीं है, बट हाँ चलो वेट, थोड़ा सा यहाँ पे जैसे लगा लेते हैं इसको डोर को। जस्ट वेट, यहाँ पे जैसे ठीक रहेगा या यहाँ पे बीच में जैसे ठीक रहेगा। वेट, यहाँ पे जैसे ठीक रहेगा भाई डोर। सो के गाइस, हम लोगों ने एक डोर तो लगा लिया हुआ है, अब यहाँ पे इसको लगाया, इसको लगाया। अब भाई यहाँ पे जो है हमारे पास विंडोज भी है, डोर्स भी है और वॉल्स भी है। ठीक है, सो एक वॉल लगाते हैं कोई बढ़िया सी, ये वाली सही रहेगी वैसे तो देखा जाए तो, बट ये भाई नीचे के लिए है, ये वाली भी अच्छी रहेगी वैसे। सो के इसको बाद में देखेंगे, पहले नीचे ज़मीन के लिए देख लेते हैं कुछ सीन। ठीक है, सो के गाइस हमने जो है वो वॉल वगैरह भी लगा दी हुई है एकदम से। सो हाँ, पहले नीचे के लिए देख लेते हैं, नीचे चलते हैं पहले तो। जस्ट वेट, यहाँ पे देखते हैं कैसी लग रही है दिखने में। सो भाई यहाँ पे ये नहीं लगेगी, ये ज़मीन के नीचे लगने वाली है। ठीक है, सो के गाइस हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए लगाने की, क्योंकि हाँ हमारी जो है वो शोरूम काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो रखा है। ठीक है, सो के गाइस इस गेम को करते हैं यहाँ पे एंड, मतलब गेम को एंड नहीं करते हैं, इसको साइड करते हैं और हम जाते हैं सोने के लिए एकदम से बढ़िया। और पहले बिल चेक कर लेते हैं हमारे पास बिल कितना आया हुआ है। ठीक है, अगर बिल भाई हमारे पास काफ़ी ज़्यादा महंगा आया होगा, पहले ये हमारी जो है वो लैम्बो खा चुके हैं $63,000। ठीक है, सो के भाई एक तो ये चोर है ना एक नंबर के, मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई इन बंदों के ऊपर जो इन्होंने मेरी जो है वो एक लैम्बो खा ली हुई है। ठीक है, सो भाई गुस्सा तो आ रहा है बट क्या कर सकते हैं, शायद से भाई इन्होंने नेबरहुड में खड़ी तो नहीं कर दी हुई है, नेबरहुड जाके देख लेते हैं शायद से यहाँ हो सकती है। वेट भाई यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि इन बंदों ने भाई चोरी कर ली है तो वो कहीं पे हो भी नहीं सकती है। ठीक है, अगर चोरी नहीं की होती ना तो वो शायद से हम बोल भी सकते थे। सो के सो जाते हैं अब। सो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी रेस वगैरह की, अगर अच्छी लगी होगी लाइक कर दो, शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा हम लोग कार को जो है वो कैसे मॉडिफाई करवाते हैं और सुप्रा का कलेक्शन इकट्ठा करते हैं और अपने शोरूम को भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करवाएंगे। ठीक है, सो ऑलराइट गाइस,